का गठबंधन है, लेकिन गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती हर जाति और समुदाय के लोगों के वोटों को एकजुट करना है। वोटों का बंटवारा ना हो, इसके लिए अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया है। टिकटॉक को देखकर लगता है कि अखिलेश और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान वोट बैंक के साथ साथ गुर्जर और ब्राह्मण मतदाताओं को साथ लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यूपी चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का बाकायदा ऐलान किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, सीधा प्रत्याशियों को फॉर्म बी यानी टिकट दे दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर बड़ा दांव खेला है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने 58 प्रत्याशियों में से 22 ओबीसी, 12 मुस्लिम, 10 दलित, 8 ब्राह्मण, 3 ठाकुर और 3 वैश्य समाज के नेताओं को टिकट दिया है। अगर ओबीसी की बात करें तो उम्मीदवारों में 10 जाट, 7 गुर्जर, 2 यादव, 1 सैनी, 1 बघेल और 1 लोधी समाज से है। मुजफ्फरनगर जैसे जिले में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। जाट लैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से 2 पर जाट, एक एक सीट पर सैनी, गुर्जर, वैश्य और दलित चेहरे को टिकट दिया गया है। वहीं गाजियाबाद और आगरा में 3-3 ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर अखिलेश ने सभी को चौंका दिया है, जबकि गौतम बुद्ध नगर जिले की सभी 3 सीटों पर गुर्जर प्रत्याशी उतारे हैं। पहली बार समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद में नया प्रयोग किया है। गाजियाबाद सदर सामान्य सीट है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने दलित चेहरे को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर लगभग 1,25,000 दलित मतदाता हैं। वहीं मेरठ में सबसे ज्यादा 4 मुस्लिम प्रत्याशियों पर गठबंधन ने दांव चला है, लेकिन मेरठ की 3 सीटों पर जाट, गुर्जर और दलित नेताओं को भी टिकट दिया है। बागपत की बात करें तो 3 सीटों में से 2 पर जाट और 1 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। ऐसे में हर राजनीतिक दल यह चाहता है कि पहले चरण में ही उसको बढ़त मिल जाए, और इसी कोशिश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन भी लगी हुई है। दरअसल जातीय समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को मजबूत कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पश्चिमी यूपी में